हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी के अंदर हमारी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो वेरीफाई है नहीं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि उसका स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर जाना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं अपना स्टेटस हम चेक कैसे कर सकते हैं, यानी हमारी डीओबी वेरीफाई है नहीं, हमारी इनकम वेरीफाई है नहीं, हमारा ऑक्यूपेशन वेरीफाई है नहीं, हमारी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो वेरीफाई हो चुकी है नहीं, तो वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है फैमिली आईडी हरियाणा, आपको फैमिली आईडी हरियाणा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है मेरा परिवार .hariyana.gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब आपके सामने एक ऑप्शन होगा सिटीजन लॉगिन का, इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपनी फैमिली आईडी का नंबर फिल करना है। फैमिली आईडी का नंबर पता नहीं है तो फॉरगेट योर फैमिली आईडी पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको अपना फैमिली आईडी नंबर यहां पर फिल करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर दोस्तों आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है। और यहां पर जो 2 नंबर दिए गए हैं इनके बीच में दोस्तों अगर माइनस का निशान है तो इन दोनों संख्याओं को घटाकर उत्तर यहां पर आपको लिखना है, अगर प्लस का निशान है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर उत्तर यहां पर आपको लिखना है, और अगर स्टार बना हुआ है तो दोस्तों दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उत्तर यहां पर आपको लिखना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करते ही आपकी फैमिली आईडी की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके सामने यहां पर साइड में होम करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस फैमिली डिटेल्स और अपडेट एड्रेस वेरिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको वेरिफिकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके साइड में यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा वेरिफिकेशन स्टेटस का, इस ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपकी कंप्लीट डिटेल जो भी है, जैसे आपका बैंक अकाउंट, कास्ट, दिव्यांग स्टेटस, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इनकम, आपकी शादी हुई है नहीं यानी मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सभी जो चीजें हैं वो यहां पर आपको दिख जाएंगी। और ये भी दिखेगा कि ये आपकी जो फील्ड्स हैं ये वेरीफाई है नहीं, यानी आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई है नहीं, वेरीफाई है तो कौन सा बैंक अकाउंट वेरीफाई है, आपकी कास्ट वेरीफाई है नहीं। दोस्तों जर्नल जो कास्ट होती है वो वेरीफाई नहीं है, लेकिन और जो कास्टें होंगी वो यहां पर आपको वेरीफाई देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दिव्यांग होंगे तो यहां पर आपको यस मिलेगा, और अगर आप दिव्यांग नहीं है तो यहां पर आपको नो देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी डीओबी वेरीफाई हो गई होगी तो यहां पर आपको यस देखने को मिलेगा, और कौन सी डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाई हुई है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपका जेंडर भी यहां पर आपको वेरीफाई देखने को मिल जाएगा, इनकम कितनी वेरीफाई है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डिवोर्स हैं, वो यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, और यहां पर यस नो यानी वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड देखने को मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको आपका ऑक्यूपेशन यानी आपका व्यवसाय वेरीफाई है या नहीं वो देखने को मिल जाएगा, और वेरीफाई है तो क्या वेरीफाई है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी एज वेरीफाई होगी तो आपकी पेंशन बनने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपकी पेंशन तभी बनेगी जब आपकी फैमिली आईडी में आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी। आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए तभी आपको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों
अगर आप दिव्यांग हैं और आपका दिव्यांग स्टेटस अगर वेरीफाई है तो आपकी पेंशन बनने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो वैवाहिक स्थिति है यानी मैरिटल स्टेटस है वो अगर आपका वेरीफाई होगा और आप अनमैरिड होंगे या फिर विडोर होंगे विडो होंगे तो आपकी पेंशन बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा और भी दोस्तों ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको अनेक प्रकार की सहायता देखने को मिल जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।